अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी कलेजी की रेसिपी, तवा कलेजी रेसिपी। मैं इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ। आप अगर चाहते हैं कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा। और यकीन जानिए बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, और हर साल ईद उल अज़हा पे मैं इसको अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाती हूँ। आपने भी इस साल इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए इसकी तैयारी करते हैं हम। चटपटी तवा कलेजी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, इसमें मेरे पास आधा किलो है कलेजी, मटन कलेजी है। इसके अलावा लेमन है हमारे पास, चार हाथों से हमारे पास हरी मिर्च है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, और 12 से 15 हमने लेनी है साबुत लाल मिर्च। इनको हमने पहले भून के रखना है। इसके अलावा जो अदरक मेरे पास है उसमें मेरे पास आधा कप तेल है, और 1 टीस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तवा कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाला भूनना है। इसके लिए हमें चाहिए 12 से 15 हम ले लेंगे साबुत लाल मिर्च, एक खाने का चम्मच आप लेंगे, खाने का चम्मच कहते हैं बड़े वाले चम्मच को, जीरा, और एक ही खाने का चम्मच हम लेंगे साबुत धनिया। इनको आपने पहले हल्का सा भून के इसको हमने बारीक पीसना है, इसको आपने भूनना है और फिर हम इसको बारीक पीस लेंगे। तवा मटन कलेजी बनाने के लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले हमने लहसुन अदरक को 1 टीस्पून को ऑयल में फ्राई करना है, हल्की सी खुशबू आने लगे फिर हम इसमें कलेजी डालकर थोड़ी फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक में से खुशबू आने लगे आपने इसमें आधा किलो कलेजी डाल देनी है, इसको अच्छी तरह फ्राई करें ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तेज़ आंच पे इसको आप फ्राई करें। चलिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, और जो मसाले हमने भूने थे उसको मैंने यहाँ पे बारीक पीस के रख लिया है। यहाँ इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको कलेजी को साफ करने का तरीके की टिप बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। भुना हुआ मसाला 2 टेबलस्पून इसमें डालना है, आधा किलो में 2 टेबलस्पून नमक हम अभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक डालने से कलेजी सख्त हो जाती है, इसलिए नमक हमेशा हमने आटे में शामिल करना है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डाल के इसको 10 से 12 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। कलेजी अब हमारी भूनने लगी है, इसको और अच्छी तरह आपने भून लेना है। अगर आप इसका फ्लेवर चाहती हैं कि और अच्छा हो तो इसको लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, इससे तवा कलेजी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ताज़ा नींबू का जूस निकाला है मैंने, और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 4 अदद आपने हरी मिर्च को काट के डालना है। आधी हमने गार्निश के लिए बचा ली है, अदरक डाल दी हमने इसमें।
बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है और मैं हर साल इसे ईद उल अज़हा पे अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाती हूँ। आपने भी इसे ज़रूर बनाना है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इस तरह कलेजी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कुन्ना बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपने मेरे चैनल से जुड़े रहना है। यहाँ आखिर में हम इसमें एक चाय का चम्मच नमक डालेंगे। एक चाय का चम्मच नमक लेवल करके आपने डालना है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको अब हम फाइनल भूनेंगे और हम इसको डिश में निकाल के सर्व करेंगे। कलेजी तैयार हो गई है, इसे हमने डिश में निकाला। आपने इसको अदरक लगानी है, अदरक से गार्निश कीजिए। हरा धनिया डालिए, यहाँ दो अदरक हरी मिर्च रख देंगे, लेमन स्लाइस रख देंगे। इस तरह हमारी तवा कलेजी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपने इसे ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस ईद पर आपने ये रेसिपी ट्राई करी तो कैसी बनी आपकी, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुँच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।